नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिंसी और आप देख रहे हैं द नेटिजन न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की कुछ ताजा खबरों के। जनपद मथुरा में होली पर्व को सकुशल संपन्न कराने पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा द्वारा पुलिस बल की हौसला अफजाई की गई एवं थाना गोवर्धन पर आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियों की समीक्षा कर अधीनस्थों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए एवं अच्छे कार्य करने वाले चतुर श्रेणी के कर्मचारी और उनके संवर्धन हेतु कंबल वितरण कर सम्मानित किया गया। किस प्रपंच को लेकर आप ये मीटिंग कर रहे हैं? देखिए, विशेष रूप से विगत 2 महीनों में होली का त्यौहार ब्रज क्षेत्र में बड़े ही बड़े स्तर पर मनाया जाता है और लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं मंदिर के दर्शन के साथ साथ परिक्रमा भी करते हैं और होली का त्यौहार भी मनाते हैं। तो हमारे सभी पुलिसकर्मियों ने इसमें बहुत अच्छा योगदान दिया है, बहुत अच्छा होली का त्यौहार यहाँ पर मनाया गया है और सबने लगातार पिछले इस समय में दिन रात की मेहनत करके ड्यूटी करके श्रद्धालुओं को दर्शन भी करवाए हैं, दर्शनार्थियों को परिक्रमा में भी सहयोग किया है। इस सबके लिए आज उनको शाबाशी देने के लिए, उनका हौसला अफजाई करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। और दूसरा मेन जो मुद्दा है, आने वाले दिनों में जो पंचायत चुनाव होने हैं उसकी तैयारियों की समीक्षा करना। हमारा प्रत्येक पुलिसकर्मी इन चुनावों में जो उसकी जिम्मेदारी बनती है उसको वो समझे, उसके क्या दायित्व हैं, उसके द्वारा क्या कार्रवाइयाँ की जानी हैं और कैसे ये हर पुलिसकर्मी को मथुरा पुलिस का टीम का मेंबर बनके इस पंचायत चुनाव को कैसे शांतिपूर्वक ढंग से कराना है उसकी समीक्षा और उसकी चर्चा भी आज हमारे द्वारा यहाँ पर की गई है। और मुझे पूर्ण आशा है कि हम लोग एक टीम की तरह, जैसे पहले चुनौतियाँ जो भी सामने आई हैं उनको हमने सफलतापूर्वक उसका निर्वहन किया है, आगे आने वाले जो पंचायत चुनाव है उसको भी शांतिपूर्वक ढंग से इस क्षेत्र में करवाया जाए, उसके लिए हम लोग दृढ़ संकल्प। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी ही ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।